टूर की लाइन पूरी लेना, ये लाइन पूरी लेना, ये लाइन पूरी लेना। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जैसे इसकी बुआई की, इसका विड्थ निकालने का काम अभी इम्पोर्टेंट था, तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी करीब 70 सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश हो चुकी है विगत 40 दिनों में। बहुत हैवी रेन हुआ है, कंटिन्यू रेन चल रहा है, तो 70 सेंटीमीटर बारिश, ये 100% ग्राउंड वाटर में यहाँ का पानी कन्वर्ट हो गया है। अब ये इतना हैवी रेन हो गया है तो अभी हम लोगों ने यहाँ के लॉकिंग निकाल दिए हैं। तो पहले जो अपने यहाँ लॉकिंग किए थे वो लॉकिंग, लेकिन इसमें के लॉकिंग कायम है, यानी 50% पानी अभी भी यहाँ का रुक रहा है। और 50% इसलिए निकाल दिया कि अभी एवरेज से ज़्यादा बारिश होगी, यह अनुमान हो चुका है। लेकिन 70 सेंटीमीटर पानी को हमने 70 लाख लीटर पानी ये ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि हमारे लिए सफिशेंट है उतना पानी। अब इसका हम डवरे चला के, कल इसमें डवरे चलाए थे हमने बैलों से, इसमें का पूरा घास निकाला। अब घास निकालने के साथ ही हमने इसकी निंदाई का काम किया, तो उसका साइंस कैसा है, पूरा टेंडर बेस पे हम इसको काम करते हैं। अब ये यहाँ से लेके तो वहाँ तक पूरी ये 150 फीट लंबी ये लाइन है, 150 फीट लंबी लाइन को पहला जो हमारा निंदाई का काम होता है वो हम लोग 15 रुपये 150 फीट का देते हैं, दूसरे जो होता है वो 20 रुपये देते हैं, और तीसरा जो काम होता है वो 30 रुपये लाइन के देते हैं। तो तीन निंदाई होती है, इसके बाद में ज़रूरत गिरी तो एक आधी करते हैं। इस तरह से ये तीन निंदाई में, पहला 15, फिर 20, फिर 30, यानी 30 और 20 50, 65 रुपया, एक लाइन का 65 रुपया हमारा खर्चा हुआ 150 फीट का। अब ये सारा टेंडर पे दिया है हमने, टेंडर पे देने से हमारे यहाँ का जो लेबर है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि जितना काम ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो वो 200 से 300 रुपया प्रतिदिन उनको आमदनी होती है इस काम में। अब मेरा लाभ क्या हुआ, मेरा लाभ ये हुआ कि 3 दिन का काम 1 दिन में हुआ और उनको 3 दिन का वेतन 1 दिन में मिल गया, तो उनका भी लाभ हुआ, मेरा भी लाभ हुआ और काम की गति आई। इस तरह से हमने इसमें पहली निंदाई की उसका खर्चा 15 रुपये, दूसरी निंदाई की उसका खर्चा 20 रुपये, और तीसरी निंदाई जो अब चल रही है उसका खर्चा 30 रुपये। ऐसे हमारा टोटल खर्चा ये 65 रुपये का एक लाइन का खर्चा हुआ। अब इसका साइंस क्या है, इसका आधार क्या है, इसकी इकोनॉमी क्या है, तो एक लाइन में कम से कम हमको 40 किलो तुअर होती है, ऊपर में 50 किलो तुअर होती है 150 फीट के लाइन में। अब 40 से 50 किलो तुअर हुई, 40 किलो को अगर हम ग्रोहित पकड़ते हैं तो 40, अगर उसको 70 रुपये किलो के भी दाम हम ग्रोहित पकड़ते हैं, 2800 रुपये की हुई। 2800 रुपये के तुअर में मैंने उसको मेहनत करने वालों लोगों को 65 रुपये दिए है, तो ये एक निंदाई का खर्चा 2800 में से 65 माइनस हो जाएंगे। इस तरह से उसकी ये इकोनॉमी का स्तर है। लेकिन मैं पंक्चुअल था तो मेरे यहाँ विड्थ नहीं हुआ, विड्थ नहीं हुआ तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। अभी ये करीब 40 दिन की फसल है, 17 जून को पहला पानी आया और आज हम 23 जुलाई को इसका शूट कर रहे हैं, तो करीब 40 दिन भी नहीं हुए, 36 दिन की ये पूरी फसल है। अब 36 दिन में हम लोगों ने 3 बार निंदाई कर दिया। उसमें पहला काम क्या किया, जैसे ही वो अंकुरित हुआ उसी समय उसको निंदाई कर दी, दूसरी निंदाई तुरंत 10 दिन के बाद दूसरी निंदाई तुरंत कर दी, इस तरह से तीसरी निंदाई 35 दिन बाद कर दी। इस तरह से हम लोगों ने 3 निंदाई से, ये क्लीन है, क्लीन रहने से वहाँ विड्थ नहीं है, तो उसका जो पौध बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। इस तरह से 65 रुपये में हमने रोज़गार भी दिया, लेकिन हमने उसके साइंस को समझा कि इधर बीज अंकुरित होता है उसी समय बाल निंदाई कर दो तो आपका 80% कॉस्ट, ये निंदाई का ये 80% कॉस्ट बच जाता है। अब 80% कॉस्ट भी बचा और उनको वेतन भी अच्छा मिल गया, तो दोनों के लाभ हो जाते हैं। इस तरह से अब ये जो आप ग्रीन मैन्यूरिंग देख रहे हैं, ये है सब ग्रीन मैन्यूरिंग, ये 3 लाइन ग्रीन मैन्यूरिंग की। अभी इसका एज 36 डेज का इसका एज है, ये 36 डेज के एज में हम इसको इसका वीडियो बना रहे हैं।
अभी हम लोग यहाँ पे, मैंने आपको कहा कि अभी ये पूरा एक लंबा करीब 600 फीट का ये लंबी लाइन है, तो इसके चार पार्ट किए हुए हैं। हर पार्ट ये अभी इनको निंदाई का काम हम लोग 30 रुपए लाइन का काम। तो अभी आप ये घास देख रहे हो, ये घास अगर मैं निंदाई करूँ तो वो घास, इसका फूल, वो सब घास ले लेंगे। तो इमीडिएट मैंने पहले कहा कि पहले बाल निंदाई किया, दूसरा फिर एक निंदाई दिया, उसका 20 रुपये खर्चा, अभी 30 रुपये लाइन का खर्चा हम दे रहे हैं। तो ये 30 रुपये दे रहे हैं, तो मैंने आपको इसकी इकोनॉमी बताई कि ये कैसे हमारे यहाँ कितना उसमें उपज होगा। 40 किलो मैंने कहा कि कम से कम एक लाइन में इसकी उपज मिलेगी। तो अब ये इस तरह से ये घास का निंदाई का काम चल रहा है, ये क्लीन कर दूंगा, इसके बाद में इसकी ग्रोथ अब तेज़ी से होती है। 40 दिन के बाद तुअर की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, हैवी रेन हो रहा है इसलिए थोड़ा सा ग्रोथ धीरे हो रही है। अगर यही रेन अगर बराबर रहता तो इसकी ग्रोथ अभी तक काफ़ी हुई गई होती अभी, लेकिन 40 दिन के बाद इसकी ग्रोथ पकड़ती है तेज़ी से। एक लाइन हमने ये ली तो मैंने कहा कि मेरा खर्च इतना हो गया। अब मैंने यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी के लिए ग्रीन मैन्यूरिंग लगाया, लेकिन इसका खर्चा मेरा हुआ 65 रुपया, 30, 20 और 15, 65 रुपये में। तो 65 रुपये में फिर मैंने ये कहा कि नहीं यार, इसमें से हमें फाउडर भी चाहिए और इसका खर्चा भी निकालना चाहिए। तो मैंने दो अरहर के बीच में एक लाइन मक्की की लगा दी। ये मक्की की लाइन से हमें जो मुझे निंदाई का खर्चा आ रहा है उसे 3 गुना ये मक्के से मुझे उपज मिल जाएगी। तो ये मक्का एक साठिया बोल के मक्का है, खाने में बेहद स्वादिष्ट है, देसी मक्का है। तो इसका 40 रुपया किलो हमारा ये मक्का बिकता है स्वादिष्ट होने की वजह से और देसी होने की वजह से। तो ये मक्के में खर्चा भी निकल जाता है और फॉर्डर ही, सिर्फ एक लाइन का फॉर्डर ही इसकी वैल्यू 50 रुपये, कम से कम 50 रुपये वैल्यू का फॉर्डर मिल जाता है। इस तरह से हम लोग इंटरक्रॉप में से ही इसका जो निंदाई का खर्चा है वो निंदाई का खर्चा निकाल लेते हैं। इस तरह से हम लोगों ने इसको चुना है इंटरक्रॉपिंग के लिए। तो ये एक ट्रैप प्लांट बोल के भी काम करता है और इंटरक्रॉपिंग में इसका खर्चा निकल जाता है मक्के से तुअर का, और साथ में ही फॉर्डर का ये भी बेनिफिट इसका मिल जाता है। अजून ते दोघ कुठं आहे? त्याले बोल एक मिनिट। जाकी आला ते आता चमेली कुठं आहे? चमेली ऐसा उछलते हुए आ गई चमेली, आ गई, आ गई। अपने जी सब नहीं झगड़ने का नहीं।
ये मेरे खेत की अपनी एक कारनामी है, इनके बदौलत लाखों रुपए के मेरे माल सुरक्षित रहते हैं। अभी ये ना तो बंदर को आने देते हैं, ना एक भी बंदर खेत में उतरता है, उनको पेड़ों से नीचे उतरने डर लगता है। तो इनके बदौलत 2 किलोमीटर तक के एरिया में कोई बंदर पेड़ से उतरने की हिम्मत नहीं करता। जंगली सुअर, ये जंगली सुअर को नहीं आने देते, ये जो हम नील गाय बोलते हैं या रोही बोलते हैं उनको नहीं आने देते। इस तरह से तीनों से इनके द्वारा सुरक्षा मिलती है। ये जहाँ वहीं रहते हैं जहाँ घर हो, तो हमने खेतों में अपने रहने वालों के घर बनाए। घर बनाने के वजह से, ये घरों के वजह से ये खेत में है, तो खेत में घर होंगे तो ये है, तो हमारी खेती सुरक्षित है। इसीलिए खेत में घर रहना भी ज़रूरी है। तो ये अब मेरे लिए लाखों रुपए की इकोनॉमी बनाते हैं। इनके लिए मुझे गेहूँ लगता कितना है, पूरे वर्ष भर में 5 क्विंटल गेहूँ, 5 क्विंटल गेहूँ की कीमत कितनी हुई, तो 10,000 रुपये। 10,000 के एवज में अगर ये पूरे मेरे खेत को प्रोटेक्ट करते हैं तो मेरे इकोनॉमी के बहुत बड़े हिस्सेदार हैं। इसीलिए हम इनसे बेहद प्यार करते हैं। काफी है।